जी का गलन झुलसा रोग है। झुलसा रोग है तो आलू क्या ये नहीं बच पाएगा क्या? आलू मुश्किल है बचना, इसलिए दवा कंच रहे। अच्छा, देख पा रहे हैं सभी कि हर खेत में एक दो खेत छोड़ के बाकी हर खेत में किसान बराबर दवा छिड़कने में लगा हुआ है। अब जैसे कि भैया कंच रहे हैं दवा, तो ये दवा सब गलन और क्या बोलते हैं उसको झुलसा और जो बर्फ पड़ती है पाला को बचाने के लिए फसल को बराबर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है वो प्रकृति के हाथ में है। किसान बराबर अपना जो है प्रयास कर रहा है बचाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामाधार। रामाधार, ये दवा आप किस लिए छिड़क रहे हैं आलू? ये आलू बचाने के लिए। आलू में क्या कमी आ रही है? आलू में गलन पैदा हो रही है। आलू में गलन पैदा हो रही है? हाँ। तो गलन ये किस कारण हुई है आप बता सकते हैं? वर्षा के कारण। वर्षा कब हुई थी? अभी दो चार दिन पहले। अरे 9, 10, 11, 8, 6, 7 तारीख से शुरू हुई और 11 तारीख से बरसा पानी, 3-4 दिन बराबर बरसा। हाँ। तो इसी कारण गलन के मतलब इसकी कोई बीमारी होगी ना? बीमारी का गलन झुलसा रोग है। झुलसा रोग है तो आलू क्या ये नहीं बच पाएगा क्या? आलू मुश्किल है बचना, इसलिए दवा कंच रहे। अच्छा, तो ये मतलब दवा छिड़कने से बचाव हो जाएगा? हाँ, कुछ बचाव हो सकता है। ये कितना समय हो चुका है आलू गाड़े हुए? इसका समय हो चुका है लगभग 45 दिन का हो चुका है। और कितना लगेगा लगभग, कब तैयार होगा? और करीब 45 दिन और लगेंगे। 45 दिन और लगेंगे, तो 45 दिन और जो लगेंगे उसकी मतलब आशा आपको नहीं है, इसलिए दवा कंच रहे। अच्छा, ताकि जो मतलब बच जाए। बच जाए तो इसमें हमारे भरपूर फसल पैदा हो जाए। अच्छा, तो इसमें आप कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं कि ये इस तरीके का रोग दौड़ रहा है? हाँ हाँ, गलन को पत्ता है सड़ो ऐसे हुई वो पैदा। अच्छा, पत्ता सड़ने लगा।